भारत के सबसे बड़े चुनाव में अधिकारियों की सेहत से खिलवाड़। जयपुर ओटीएस में अधिकारियों को लोकसभा चुनाव की ट्रेनिंग के चलते लापरवाही का मामला सामने आया है। अधिकारियों के खाने में बदबू के चलते अधिकारियों ने खाने का किया त्याग। सुबह 9:30 बजे से अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन जब ब्रेक हुआ तो खाने में उन्हें बदबूदार खाना मिला। अधिकारियों ने खाना नहीं खाया। वहीं दूसरी ओर जयपुर यूनिवर्सिटी में 3 बजे तक खाना नहीं पहुंचा। अधिकारियों की सेहत से सरेआम इस खिलवाड़ के चलते अधिकारियों में रोष है और आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि जयपुर के अलग अलग हिस्सों से अधिकारी यहां एकत्रित हुए हैं, लेकिन उन्हें इस अव्यवस्था के चलते लोगों को बुलाया गया है। नाराजगी जताई है। देखिए किस प्रकार से सरेआम आनाकानी है। सेहत से खिलवाड़, बाद में जो सब्जी मंगाई गई वो ये है जिसमें कुछ ही लोगों ने खाना खाया है। अभी सिर्फ 20% लोगों ने खाना खाया है। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान ईसीआई संविधान के प्रत्येक मतदाताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो सुबह कितने बजे बुलाया गया था सर आपको? 9:30 बजे ट्रेनिंग के लिए बुलाया था यहाँ पे। 9:30 बजे बुलाया गया था। और खाना कितने बजे दिया गया? 2:45 बजे खाना मिला। और उसमें खाने में फिर क्या प्रॉब्लम थी? इसके अंदर ये हीट मार रहा था और इतनी सड़ान निकल रही थी इसके अंदर से। ये पूरी सब्जी बदबूदार खाना है, बदबूदार सब्जी है। तो दूसरी नई सब्जी आई है अभी मंगवाए जो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बिल्कुल एक ही वो खराब खाना वो उधर रखा हुआ है। एक ही बंदा है मात्रा, यहाँ पे कम से कम 400 के आसपास आदमी आए हुए हैं। अच्छा, सबको मतलब थोड़ा थोड़ा एक के अंदर शायद नहीं, अभी तो आए नहीं होंगे, आए नहीं अभी तक, लोगों को पता ही नहीं है। हमें सूचना मिली खाना आ गया तो हम चेक करने आए, तो फिर ये सब्जी थोड़ी लीक लगी थी। अब जाके कुछ खा तो पा रहे हैं सुबह से। तो ये मतलब ट्रेनिंग किस चीज की थी? ये सर इलेक्शन की ट्रेनिंग चल रही है। इलेक्शन की विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ओके, तो आपको अलग अलग जगह से आमंत्रित किया गया है? सब अलग अलग ऑफिस से, वैसे हम तो बाकी सब जगह से आए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं। और आपके साथ खाने में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल सर, आम वो अनकानी है साहब, बिल्कुल बढ़िया, कोई मतलब ही नहीं है। ये खाने योग्य है क्या खाना? कोई नहीं खा सकता इसको सर। मतलब सबको कुर्सी चाहिए लेकिन किसी के खाने की कोई परवाह नहीं है किसी को? सेहत से सरेआम खिला तो हमारे को बोल देते तो हम घर से ले आते हैं हमारा खाना, हम सब खा तो पाते। सेहत से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है, सेहत से सरेआम। चलो, यदि इस खाने को कोई खा ले तो उसके निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और ये जगह का क्या है, कौन सी? ओटीएस है, पटेल भवन, पटेल भवन जयपुर में। ये है वो खराब खाना जिसको किसी ने नहीं खाया, जिसको किसी ने नहीं खाया। और जगह जगह से लोगों को बुलाया गया है। देखिए किस प्रकार से सरेआम आनाकानी है। सेहत से खिलवाड़। बाद में जो सब्जी मंगाई गई वो ये है जिसमें कुछ ही लोगों ने खाना खाया है। अभी सिर्फ 20% लोगों ने खाना खाया है। ये देखिए बंद के बंद पैकेट कैसे रखे हुए हैं। Gracias.
Thank you.